आज बनाएंगे बिना मावा बिना खोया के मजेदार सी कुल्फी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। दिखने में ये बिल्कुल लग रही है खोए वाली कुल्फी, पर ये है कैरेमल कुल्फी। इस कैरेमल कुल्फी को बनाने में सामग्री भी कम लगती है और समय भी बहुत कम। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इस कैरेमल कुल्फी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो कैरेमल कुल्फी बनाने के लिए मैंने एक कप चीनी, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना, बस इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आना चाहिए। गैस का फ्लेम इस समय फुल पे रहेगा। बस मिक्स कर लेना है एक बार पानी के साथ चीनी को, और इसे इस तरह से फुल फ्लेम पे कुछ सेकेंड के लिए छोड़ें। तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो रहा और चीनी भी मेल्ट हो रही है। तो अब इसे बीच बीच में एक दो बार चलाता है। गैस का फ्लेम अभी हाई रहेगा। चीनी को कैरेमलाइज करने के लिए ना गैस के फ्लेम को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें गैस का बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो ये चीनी बहुत ही जल्दी जल जाती है। अब गर्म चीनी है तो चम्मच से चिपकेगी, तो उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसे छोड़ाएं और बस इस तरह से मिक्स करते हुए इसे फुल फ्लेम पर ही अभी इसे चीनी को मेल्ट करना है। तो जैसे ही चीनी थोड़ी मेल्ट होती जाएगी ना, तो गैस का फ्लेम अब मीडियम पे कर देना है। बस मिक्स करें। अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, क्योंकि अब इसे ना लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर गैस का फ्लेम हाई हो जाएगा तो ये चीनी बहुत जल्दी जल जाती है। चीनी मेल्ट होने के बाद एक बार बीच में चेक करें कि इसमें धागे बन रहे या नहीं। ये देखिए, अभी इसमें धागे नहीं बन रहे, मतलब अभी और ये थोड़ी देर पकेगा। तो फिर लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से पकाना है। और ये देखिए, अब इसमें धागे बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। जैसे धागे बनना शुरू हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, नहीं तो अब ये कैरेमल जल जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये कैरेमल अच्छा से बना है या नहीं, तो इसे ठंडे पानी में एक बार चेक करें। रूम टेम्परेचर वाला पानी लें, उसमें एक दो बूंद डालें। तो अगर ये लिक्विड पानी में जाते ही हार्ड हो जाता है तो मतलब कैरेमल बहुत ही अच्छे से बन चुका है। गैस का फ्लेम मैंने अभी तक ऑफ रखा हुआ है। अब मैं इसमें 1 लीटर के करीब दूध डालूंगी, तो ये अभी 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। अब मैं गैस को ऑन करके इसे फुल फ्लेम पर ही दूध को गाढ़ा करूँगी, क्योंकि दूध को अब आप फुल फ्लेम पे करें या मीडियम फ्लेम पे, अब आपकी मर्जी कि इसे गाढ़ा किस तरह से करना है। क्योंकि अब हमें दूध को आधा गाढ़ा करना है, यानी 1 लीटर दूध को आधा लीटर दूध में बना लेना है, इसे इतना गाढ़ा कर लेना है। कैरेमल जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें जो बचे हुए दूध है ना 1 लीटर वाले, उसे मैं डाल दूंगी। तो जैसे जैसे ये दूध गर्म होती जाएगी ना, तो कैरेमल बहुत ही अच्छे से पिघलते चला जाएगा और दूध में भी एक बहुत ही अच्छा सा मावा वाला कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी बिल्कुल मावे वाला आएगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देना और भी बढ़िया टेस्ट के लिए। इस कैरेमल की वजह से ही ना इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आता है और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है इसमें। दूध आधी गाढ़ी हो चुकी है, इसे अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इस दूध को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो जमने में दिक्कत आती है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे मिक्सर जार में डालना है। थोड़ा सा डालना है इसमें क्रीम, ये जो घर वाली मलाई होती है ना दूध में पड़ी हुई, बस वही मलाई है, बस उसे डालकर अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अगर आपको ये कुल्फी और भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए ना, तो थोड़ी सी मलाई और ऐड कर दें। कुल्फी को जमाने के लिए मैं स्टील का ग्लास ले रही हूँ। तो इस मिक्सर को ना अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी क्रीम वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जितनी मर्जी आप अपने ग्लास में इसे भरे, आधा या फुल, मैं इसमें आधा आधा ही डाल रही हूँ। और मैं ये ले रही हूँ कुल्फी के कप, जो हम लोग कुल्फी वगैरह आइसक्रीम खाते हैं ना, तो ये जो उसके कप होते हैं ना, मैं इसे रीयूज़ करने के लिए रख लेती हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये डब्बे, तो बस इसका यूज़ करना भी आसान होता है, इसमें कुल्फियाँ भी जमाना आसान होता है। तो जो भी ये लिक्विड थे ना, मैंने सब में थोड़ा थोड़ा डाल के मतलब लिक्विड को ख़त्म कर दिया। मैं ये जो प्लास्टिक वाले जो डब्बे थे ना आइसक्रीम वाले, इसमें मैं डाली हूँ पिस्ता के थोड़े थोड़े पाउडर। तो ये स्टील वाले ग्लास को कवर करने के लिए मैं ले रही हूँ क्लिंग शीट। अगर आपके पास एल्युमिनियम पेपर है तो उससे भी कवर करें। अगर एल्युमिनियम पेपर भी नहीं है ना, तो वो घर में जो पन्नियाँ आती है ना वाइट कलर की, उससे भी कवर कर लें और उसमें रबड़ लगा लें। तो इसे मैंने ओवरनाइट रख दिया था। देखिए ये कितने अच्छे से जम चुका है, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इन कुल्फियों को डीमोल्ड करके दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ये देखिए, ये डब्बे वाली कुल्फी भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। कुल्फी को डीमोल्ड करने के लिए मैंने एक दूसरे बर्तन में पानी लिया, उसमें मैं कुल्फी वाले ग्लास को थोड़ी देर के लिए डुबा के रखूंगी, ताकि कुल्फी ना हमारी बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। फिर मैं एक चाकू की सहायता से इसे डीमोल्ड करूंगी। चाकू की सहायता से इसे डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है। बस इसे चाकू को इसमें डालें, थोड़ा सा घुमा दें, बस वो अच्छे से निकल जाती है। और आप देखेंगे ये कुल्फी का रिजल्ट कितना अच्छा है। ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी क्रीमी बनी है, सिर्फ कैरेमल की वजह से। इसमें मैंने और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा है, बस थोड़ी सी क्रीम ऐड करी, वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है।
तो बस इसे मैं काट के दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप देखेंगे काटते ही थोड़ी टूटने लग गई, यानी कि ये काफ़ी सॉफ्ट बनी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो फिर मैं दूसरा भी आइसक्रीम मैं आपको डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस से इसे भी डीमोल्ड कर लेना है। ये काफ़ी अच्छी दिख रही है और यकीन मानिए ये टेस्ट में ना बिल्कुल मावे वाली कुल्फ़ी का टेस्ट आता है इसमें, सिर्फ एक कैरेमल की वजह से। इसका कलर भी अच्छा आया और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। तो दोस्तों आप ना एक बार इस कुल्फ़ी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत कम सामान के साथ बन भी गई और समय भी इसमें कम लगा। ये देखिए कैरेमल वाली कुल्फी ना कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल मावे वाली कुल्फी की तरह इसका लुक है। थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे चम्मच से भी काट के दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी है ये कुल्फी। तो दोस्तों अगर आपको ये यम्मी सी रेसिपी पसंद आई ना तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई और यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।